हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल ओ आल आर डर वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड इन दिस व्लॉग आई विल शेयर विद यू माई रोटीन जो कि कराची जाने से पहले के कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कराची uh, मैं जा रही हूँ उसके भी आपके साथ ऑब्वियसली uh, शेयर करूँगी और वहाँ से जो कुछ भी मेरी एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं डेली अपडेट कर दूँगी अपने इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर दें तो आ, मेरी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी तो मैंने आज जो है वो कोकोनट बिस्किट बेक किए थे वो रेसिपी भी मैं शेयर की नहीं है बट आ, मैं इनशाला जल्द कर दूँगी और आ, नान खताई की मैं शेयर कर चुकी हूँ और वो काफ़ी इज़ी रेसिपी थी अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप उसको देगचि में भी बेक कर सकते हैं बह शर्ट के आप उसको आ, प्री हीट कर दें टेन टू ट्वेंटी मिनट्स तो इजीली वो आपके बेक हो जाएंगे इसमें कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा इस कंपेयर टू तो ओवन के क्योंकि प्री हीट होंगे और उसके बाद जब आ, बिस्किट पैक के अलग से थर्टी मिनट्स लगेंगे तो एक घंटा आपका इजीली इसमें ही लग जाएगा बट आप रख के उसको ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप उसको देखते रहें बस आंच जो है वो आपको उसका ध्यान रखना है उसके बाद रख के आप कोई और काम भी कर सकते हैं और ये जो है और उसके बाद मैंने डिनर रेडी किया था जिसमें बनाए थे मैंने दाल चावल और ये नेक्स्ट डे के कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने फ़िश फ्राई की थी और प्लस में मैंने ये फ्राई किए हैं आलू और उसके बाद में बैठी हुई थी कुछ ऐसा था नहीं और ये मेरा आ, दो तीन के दिन के कुछ क्लिप्स हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे और अगर पसंद आए तो काइंडली जाते जाते मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके दिस इज़ ऑल अबाउट व डेस व्लॉग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी कीप वॉचिंग माई चैनल विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग टल दैन अल्हा बाय टेक केयर